ओके सो लास्ट वीडियो में मेनली हमने डिस्कस कर लिया था कि कैसे जो आईएसपीज का एक दौर था, कैसे आरपानेट को शट डाउन किया गया, हैंडओवर कर दिया गया था, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को कमर्शलाइज कर दिया गया था, इंटरनेट के यूज को, एंड तो वो सारी बातें हम कर चुके थे तो अंडर दिस सीरीज ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, है ना। इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं अपना जो राइज ऑफ द वेब, वेब बोले तो वर्ल्ड वाइड वेब एंड एचटीटीपी क्या है ये। देखो अब एक एग्जांपल पहले दे दूं आपको, जैसे हमने गूगल चला रखा है तो अगर आप यहाँ पे देखोगे एचटीटीपीएस लिखा है और www लिखा है, ये दोनों चीजें क्या है। आज अगर आप देखोगे, देखो लिखा हुआ है, आज के दिन वेब और इंटरनेट लगता है कि सेम चीज है। जब मैंने बोला इंटरनेट तो आपको लगेगा कि आप ब्राउजर में जाओगे, कुछ ना कुछ सर्च करोगे, जैसे बोलो कि आप कुछ भी सर्च करते हो, कुछ भी, ठीक है, लाइक वट एवर। तो आप गूगल के सर्च इंजिन, गूगल भी अपने आप में क्या है, एक वेबसाइट है, ठीक है, वो भी वेब का पार्ट है। अब यहाँ पे कुछ भी आया है, मान लो जो रिजल्ट आप, ये से कुछ भी हो जाए, सॉन्ग डाउनलोड या और भी कुछ आप एक्सेस करते हो, तो वो कहीं ना कहीं किसी वेबसाइट पे ही तो मिलेगा, वेबसाइट वेब पे जो है कहीं ना कहीं, राइट। तो अब लगता है कि इंटरनेट यूज करना मतलब कि वेब यूज करना, बट इट्स नॉट ट्रू। कि अगर आप एक्चुअली देखोगे कि जो वेब था वो क्या है, अब लेट्स से हमने बोला था इंटरनेट, ये जो नेटवर्क था आरपानेट, व्हाई वी स्टार्टेड दैट, सो दैट आप कोई डेटा शेयर कर सके, ठीक है। जैसे एक यूनिवर्सिटी पे रिसर्च पेपर शेयर किया गया दूसरी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर के साथ, ठीक है, बेसिकली दैट वाज द इनिशियल पॉइंट। पर धीरे धीरे जैसे अगर आप देखोगे ना, तो ऐसे सर्वर्स बढ़ते गए, ऐसे क्लाइंट यूजर बढ़ते गए और नेटवर्क पे ये डेटा बढ़ता गया। अब जो डेटा बढ़ रहा है उस डेटा को मैनेज भी करना है, स्टोर भी करवाना है। लेट्स से कहाँ तो आप 5 MB का डेटा स्टोर करवाओ, कि कुछ लेट्स से 150 नाम होंगे और डेट ऑफ बर्थ होगी और व्हाटएवर, फिर कहाँ आप 5000 MB का डेटा स्टोर कराओ जिसमें हजारों लाखों नाम हो, उनके एड्रेसेस और उनकी डिटेल्स हो। अब वो यहाँ पे स्टोर करना और फिर प्लस उसको कैसे यूजर जो है कम से कम टाइम में और अच्छे से अच्छे तरीके से एक्सेस करके डिस्प्ले कर पाए अपने स्क्रीन पे, वो भी, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आते हैं डेटाबेस एंड वो सब, ठीक। और अब इसको डिस्प्ले करवाने के लिए, एक्सेस करवाने के लिए हमने क्या कर दिया, इन डॉक्यूमेंट को, अब मान लो ना मैं एक पेज पे हूँ, चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं, ये 500 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है, आप हो फर्स्ट पेज पे, अब आपको जाना है 91 पेज पे। देखो आप स्क्रॉल करके जाओगे क्या 10-20 सेकेंड 1 मिनट लगा के, तो अर्लियर ऐसा ही था, लेकिन फिर क्या किया 1960s में कि भाई एक कॉन्सेप्ट आ गया हाइपर टेक्स्ट का। कैसे, कि तुमने ना कुछ लिंक डाल दिए, जैसे होता है ना इंडेक्स पेज बना दिया, इंडेक्स पेज पे तुमने लिंक बना दिए चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3, आपको अभी भी पता होगा जैसे पीडीएफ वगैरह में आप जाते हो ना, इस पे क्लिक किया तो आप डायरेक्ट उस पेज पे उस चैप्टर पे पहुंच जाते हो, तो वो क्या है हाइपर टेक्स्ट, कि टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट या लिंक्स जो आपको डायरेक्टली वहां ले जाएंगे, पेज नंबर 2 से आपको 205 पे ले जाएंगे, स्क्रॉल करके जाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो आइडिया था हाइपर टेक्स्ट का, इसको किसमें यूज कर लिया गया है, आपके इंटरनेट में, ठीक। उससे क्या हुआ, आपका जो वेब पेजेस को एक्सेस, जो पेजेस है इंटरनेट पे उनको एक्सेस करना बहुत आसान हो गया, ठीक है। तो ये किसके थ्रू किया गया, तुम्हारा वर्ल्ड वाइड वेब प्रोजेक्ट के अंदर, हमने बताया था कि जो टिम बर्नर्स ली है वो काम कर रहे थे सन लेबोरेटरी यूरोप स्विट्जरलैंड के अंदर, वहां पे इन्होंने काम किया शुरू एंड इट वॉज अ ग्रेट हिट देयर, कि भाई ये बहुत यूजफुल है इंटरनेट के थ्रू डॉक्यूमेंट्स को सर्च करना, नॉट सर्च एक्चुअली, उसको एक्सेस करना, रीड करना, वो बड़ा आसान हो गया था बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। अब उस, ये तो कॉन्सेप्ट है, अब इसके लिए प्रोटोकॉल कौन सी चलती है तुम्हारी, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, हाइपर टेक्स्ट बेस्ड है यहाँ पे तुम्हारा जो ये प्रोटोकॉल चलती है, ठीक। तो ये मैं वही थीसिस वाला एग्जांपल भी दे रहा था ना तुम्हें, कि कैसी एक जगह की टेक्नोलॉजी इट कैन बी यू नो वेरी वेरी यूजफुल इन सम अदर टेक्नोलॉजी, एंड दिस वर्ल्ड वाइड वेब इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दैट। ये देखो जी, और अभी आज के रेलेवेंस से आपको कैसे समझाऊं, मैं व्हाट्सएप चलाते हो वो वेब नहीं है, वो आपकी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, आप चला रहे हो मोबाइल में, अच्छी बात है, दैट इज द पार्ट ऑफ इंटरनेट। बट अगर आप बोलते हो कि आप उसको वेब के थ्रू एक्सेस करना चाहते हो, तो हम क्या करते हैं व्हाट्सएप को फिर किसी ब्राउजर में चलाते हैं, याद है आप ऐसा करते हो ना, एक वो कोड स्कैन करते हो और फिर यहाँ आप उसको एक्सेस करते हो, लिखते हैं ना व्हाट्सएप वेब,
तो आप अपना व्हाट्सएप जो मोबाइल का है वो अपने लैपटॉप में भी चला पाते हो. तो नाउ इट्स हैज बिकम द पार्ट ऑफ दैट वेब ऑफ इंटरनेट. तो आई गेस यू गॉट द आइडिया. बट यस, नाउअडेज हम सब कुछ जो करते हैं वो वेबसाइट बेस ही करते हैं, इसलिए लगता है कि इंटरनेट और वेब ये दोनों ही एक चीज है. बट नो, इंटरनेट पहले शुरू हुआ था. बिल्कुल, इंटरनेट एक्चुअली क्या था, जो डिवाइसेस का और आपकी केबल्स का जो एक्चुअल कनेक्शन है, इंटरकनेक्शन है, उसको हम इंटरनेट बोल रहे हैं. इंटरनेटवर्क, अलग अलग नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ना, ठीक है. ये वेब और ये सब तो बाद की बातें हैं. बट अभी क्या है, आप देख सकते हो कि भाई काइंड ऑफ सिमिलर चीजें हैं, बिकॉज सारा का सारा काम वेब पे ही हो रहा है, वेबसाइट्स के थ्रू ही हो रहा है, राइट. देखो एप्लीकेशन लाइक ईमेल ईमेल वगैरह भी बाद में ऐड हुई थी नेटवर्क के, इंटरनेट के ऊपर. यू नीड टू रिमेम्बर दैट लेगेसी. As I told you, it was based on hypertext and I guess I explained it. तो इसमें देखो ये क्या है, तुम्हारा ऐसे लिखा आता ना ट्रिपल डब्ल्यू, देन तुम्हारा ये सिंबल है डबल फॉरवर्ड स्लैश, देन तुम्हारे पास एच टी टी पी है और ये एच टी टी पी एस है. तो इससे क्या पता चलता है तुम्हें ट्रिपल डब्ल्यू से कि भाई ये तुम्हारे वर्ल्ड वाइड वेब का पार्ट है. ओके okay. ये बताएगा कि इसके बाद क्या आना है. जैसे मान लो तुम्हारे ना उस सर्वर पे 100 पेजेस पड़े हैं, आपकी वेबसाइट पे 100 पेजेस पड़े हैं. तो एक होगा आपका होम पेज, जैसे आपने लिखा लेट्स से www.abc, वेबसाइट का नाम है ये एबीसी, वेबसाइट का वेब सर्वर है abc.com, ठीक है, www.abc.com. आप इसको एक्सेस करते हो अपने पीसी पे, ब्राउजर में जाके ये हिट करता है, यहाँ पे आपको इसका होम पेज दिखता है. मान लो नेटवर्क नगेट्स डॉट इन करते हो तो मेरी कुछ फोटोज दिखेगी, राउटर स्विचेस की वेज दिख जाएगी. फिर आप उसमें आपको ऐसे वो मिलते हैं फिर, है ना, कि यहाँ पे होम सेक्शन है, यहाँ पे तुम्हारा एडमिशन सेक्शन है, यहाँ पे तुम्हारा गैलरी का सेक्शन है, कहीं पे तुम्हारा अबाउट अस का सेक्शन है, जिसमें क्लिक करोगे फिर आगे उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है. तो उसके लिए फिर क्या है, ये अलग अलग और पेजेस पड़े हैं 10, 20, 50, और ये इससे जुड़ा हुआ है, इसके अंदर इसका हाइपर टेक्स्ट है, इसके अंदर इसका हाइपर टेक्स्ट है, इसके अंदर इसका है. तो एक पे क्लिक करोगे दूसरा आ जाएगा, दूसरे पे क्लिक करोगे तीसरा, ऐसे आता जाता है, राइट. तो विच कम्स नेक्स्ट, तो जैसे ये मान लो तुम्हारा क्या है, गैलरी वाला है, तो क्या लिखा आएगा, www.abc.com/gallery, ऐसे लिखा, समझ रहे हो बात को. और HTTP वो प्रोटोकॉल है जो इस डेटा को सर्वर से उठा के आपके पीसी तक लाती है, आपके मोबाइल तक लाती है, क्योंकि हमें पता है नेटवर्किंग में कुछ भी करना है किसके थ्रू होता है, किसी प्रोटोकॉल के थ्रू होता है. ये वेब, व्हाट कम्स नेक्स्ट, दैट प्रोटोकॉल. हाँ, ये अनसिक्योर प्रोटोकॉल है. जब हम सिक्योरिटी वगैरह पढ़ेंगे तो हम आप देखेंगे कि भाई इसको कोई भी इजीली हैक कर लेता था अर्लियर. शुरू में तो सिक्योरिटी इतना बड़ा कंसर्न था नहीं हमारे लिए, बट जैसे बना तो वी केम अप विद अ सिक्योर वेब प्रोटोकॉल विच वॉज सिक्योर HTTP. तो इट वॉज पार्ट ऑफ दैट. बट आई गेस यू गॉट दिस आइडिया, दिस नोशन कि अभी लगता है इट्स सेम इंटरनेट एंड वेब, बट नो इट इज नॉट. ठीक है, ब्राउजर क्या है, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है जिसके थ्रू आप इंटरनेट यूज करते हो, वेब यूज करते हो. ये देखो जैसे मैं अभी क्या यूज कर रहा हूँ, अपना गूगल क्रोम. सो व्हाट इज दिस, अ वेब ब्राउजर. वैसे बड़े सारे ब्राउजर हैं, विंडोज के अलग है, मैक के अलग है, एंड ऑल. चलिए, ओके. सो आई गेस इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, जिसमें हमने वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP और इंटरनेट को डिफरेंशिएट और सिमिलराइज किया है. अगली आई गेस हमारी लास्ट वीडियो रहेगी इस सीरीज की, जिसमें हम बात करेंगे कि अब इंटरनेट तक तो पहुंच चुके हैं, इंटरनेट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं. जैसे एक नॉर्मल घर पे यूजर है कोई, उसको इंटरनेट एक्सेस करना है तो पहले क्या ऑप्शंस थे, अभी हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, एंड व्हाट इज लाइक द फ्यूचर स्कोप ऑफ इंटरनेट. और सो आई है वो इस वीडियो में इतना काफी. सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई गेस वी विल कंक्लूड दिस हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट सीरीज इन यू नो विद दैट वीडियो. तो आई होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. अपना ख्याल रखिए, बाय बाय.